बरेली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख महानगर शहर है। यह ऐतिहासिक शहर भारत की प्रशासनिक राजधानी नई दिल्ली से लगभग 252 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर स्थित है। बरेली शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बरेली शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बरेली के उन टॉप 10 पर्यटक स्थलों की बात करेंगे जिनके बिना बरेली शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 10, राम गंगा ब्रिज। बरेली के बदायूं रोड पर स्थित राम गंगा ब्रिज बरेली का एक मुख्य पर्यटक स्थल है। राम गंगा नदी के तट पर बना यह ब्रिज सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शाम के समय का ढलता सूरज और गंगा की लहरें मानो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा बरेली का सबसे प्रसिद्ध चौबारी मेला भी इसी स्थान पर लगाया जाता है। अगर आप एकांत में बैठकर शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आप एक बार यहां पर जरूर आएं। नंबर 9, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर बना बरेली का यह ऐतिहासिक मंदिर बरेली के मुख्य मंदिरों में से एक है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण सन 2003 में बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर करवाया गया था। यहाँ पर स्थित सरोवर मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इसके अलावा मंदिर में बना कैलाश पर्वत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर सोमवार को यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। नंबर 8, गांधी उद्यान। बरेली का गांधी उद्यान किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। शहर के अधिकतर लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर लहराता 135 फीट ऊंचा तिरंगा इस ऐतिहासिक पार्क की शान को बढ़ा देता है। यहाँ पर आपको बच्चे, बूढ़े, जवान अर्थात हर एज ग्रुप के लोग मिल जाएंगे। हालांकि ये पार्क अन्य पार्कों के मुकाबले इतना बड़ा तो नहीं है, परंतु पार्क का हरा भरा वातावरण इस पार्क को खास बना देता है। रोज सुबह व शाम को यहाँ पर स्थानीय पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। बरेली के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित गांधी उद्यान बरेली के मुख्य उद्यानों में से एक है। नंबर 7, बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर बरेली के मुख्य मंदिरों में से एक है। शहर के राजेंद्र नगर जैसे पॉर्च इलाके में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान राधा और कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर आने वाले स्थानीय भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण की मूर्ति देखने में इतनी सुंदर लगती है कि मानो वास्तव में भगवान खुद विराजमान है। बांके बिहारी मंदिर रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। नंबर 6, फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल बरेली के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है। लगभग 5.5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ फिनिक्स मॉल बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है। फिनिक्स मॉल का मुख्य आकर्षण यहाँ के ब्रांडेड शोरूम और फूड कोर्ट हैं, जिनमें बिग बाजार, रिलायंस फुटप्रिंट, मोंटे कार्लो, रिलायंस डिजिटल, पेंटालून, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, 3D सिनेमा हॉल आदि कई अन्य चीजें शामिल हैं। नंबर 5, दरगाह ए आला हजरत। दरगाह ए आला हजरत विश्व की प्रमुख दरगाहों में से एक है। यह ऐतिहासिक दरगाह अहमद रजा खान की याद में बनवाई गई थी, जो 19वीं शताब्दी के विद्वान थे। 14 जून सन 1856 में जन्मे अहमद रजा खान को आला हजरत अर्थात महान विद्वान व्यक्ति की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि वह ज्ञानी और साहित्यिक दुनिया के चमकते सितारे थे। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस दरगाह में कोई मन्नत लेकर आते हैं तो वह मन्नत जरूर पूरी होती है। अगर आप भी बरेली में आते हैं तो आप इस दरगाह में अर्जी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे वीडियो में बरेली शहर के कुछ ऐसे भी पर्यटक स्थल हैं जहां पर आप शायद से कभी भी नहीं गए होंगे। नंबर 4, रामनगर का किला। बरेली के आंवला तहसील में स्थित रामनगर के किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस किले को आज के समय में अहिछत्र फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है यह ऐतिहासिक स्थान पांचाल राज की राजधानी हुआ करता था, जिसे उस समय में द्रुपद नगर के नाम से जाना जाता था। राजा द्रुपद की पुत्री यानी कि द्रौपदी का स्वयंवर इसी स्थान पर रचाया गया था। पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण आज यह ऐतिहासिक किला खंडर के रूप में बदल चुका है।
कहते हैं कि इस किले को देखे बिना आपका बरेली का सफर अधूरा ही रह जाएगा। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए रामनगर का किला एक अच्छा स्थान है। नंबर 3, अलकनाथ मंदिर। अलकनाथ मंदिर बरेली शहर में नैनीताल रोड पर स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर को नागा साधुओं का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में कई सारे मठ बने हुए हैं जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। गाय, ऊंट और बकरी जैसे मवेशी जानवर इस मंदिर में पाले जाते हैं। लगभग 96 बीघा के क्षेत्रफल में फैला हुआ ऐतिहासिक अलकनाथ मंदिर अपने प्राचीन इतिहास के कारण पूरे बरेली में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कई वर्षों पहले वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए अलकनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। जब मुगल शासन काल में हिंदुओं को बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा था, तब कुछ नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा करने के लिए बाबा अलखिया को बरेली भेजा था। बाबा अलखिया के नाम पर ही इस मंदिर का नाम अलकनाथ मंदिर पड़ा। सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। नंबर 2, फनसिटी वाटर पार्क। भारत में फनसिटी नाम के कई मनोरंजन पार्क हैं, लेकिन बरेली का फनसिटी वाटर पार्क उत्तर भारत का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए पार्क में मनोरंजन की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वाटर पार्क में आप वाटर स्लाइडिंग, रेन डांस, भूत बंगला, अफ्रीका जंगल आदि कई अन्य चीजों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत कुछ एडवेंचर तरीके से करना चाहते हैं तो बरेली का ये वाटर पार्क आपके लिए है। फनसिटी वाटर पार्क सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलता है। बरेली का फनसिटी वाटर पार्क बरेली शहर के पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है। नंबर 1, त्रिवेटी नाथ मंदिर। त्रिवेटी नाथ मंदिर बरेली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह ऐतिहासिक मंदिर बरेली के प्रेम नगर इलाके में स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुराने समय में इसी स्थान पर एक चरवाहा त्रिवेट वृक्षों की छाया में सो रहा था। तभी उसके सपने में भगवान भोलेनाथ आए और उससे कहने लगे कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ और खुदाई करने पर दर्शन दूंगा। चरवाहा ने भोलेनाथ का आदेश का पालन किया और खुदाई करना शुरू कर दी। तभी त्रिवेट वृक्ष के नीचे शिवलिंग के दर्शन हुए। कहते हैं कि यह शिवलिंग लगभग 600 साल पुरानी है। इस मंदिर में हर साल देश के प्रसिद्ध संतों का प्रवचन भी होता है, जिसे सुनने के लिए यहाँ पर पर्यटकों की भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त अथर्व मिश्रा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं।